दोस्तों, आपने पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया होगा और आपने पासपोर्ट का स्टेटस चेक करने के लिए आपको करना क्या होगा वो सारा कुछ मैं इस वीडियो में बताऊंगा। पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया था, वेरिफिकेशन भी हो गया है और आपका पासपोर्ट कहां कहां अभी पहुंचा है और किस तरीके से कितने दिन लगेंगे आपके पास पहुँचने तक। तो चलिए मैं गूगल क्रोम को ओपन कर लेता हूँ। गूगल क्रोम को जब मैं ओपन करूँगा तो यहाँ गूगल पर आपको टाइप कर देना है पासपोर्ट सेवा। ये पासपोर्ट सेवा पर जब आप क्लिक कर देंगे तो सबसे ऊपर वाली जो वेबसाइट आएगी www.passportindia.gov.in, पासपोर्ट की ये ऑफिशियल वेबसाइट है इंडिया की। जब आप इसके अंदर आ जाएंगे तो देखिए ये एक नोटिफिकेशन आएगा, इसको मैं कर दूंगा कट। इसको मैं कट करने का लेफ्ट साइड में जूम करके मैं आपको दिखा देता हूँ, ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस। ये तो यहाँ पर मैं क्लिक कर दूँगा, ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस पर जब मैं क्लिक कर दूँगा तो इसको झूम करके मैं दिखा देता हूँ आपको। यहाँ से तीन चीज़ें आ रही हैं, तो यहाँ से सेलेक्ट करेंगे सबसे पहले। इसमें भी चार चीज़ें आ रही हैं, पासपोर्ट, RTI, डिप्लोमेटिक ऑफिशियल एप्लीकेशन, सरेंडर सर्टिफिकेट। तो हमें पासपोर्ट का अपना ट्रैक चेक करना है स्टेटस। तो देखिए अब आपको फाइल नंबर एंटर करना है। जब आपने पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया होगा तो आपके जीमेल पर एक मेल आया होगा जिसमें आपका फाइल नंबर एंटर होगा। तो मेरा फाइल नंबर ये है, तो इसको मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ। तो GZ2065 धीरे धीरे करके मैं इसको एंटर करता रहता हूँ। तो चलिए करते हैं फाइल नंबर एंटर। अब डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करता हूँ मैं अपनी। देखिए मैंने भी अपना पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया है, मेरा तो बन के आ भी चुका है, तो मैं आपको बता रहा हूँ नॉलेज के लिए। तो चलिए मैं यहाँ से अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेता हूँ। मेरा पासपोर्ट आ चुका है, मैंने यहीं से ट्रैक किया था कब कब कहाँ कहाँ पहुँचा है। तो डेट ऑफ बर्थ मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ 7। डेट ऑफ बर्थ देखिए मैंने यहाँ से सेलेक्ट एप्लीकेशन टाइप, फाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, सारा कुछ मैंने करेक्ट इन्फॉर्मेशन फिल कर दिया है। अब मैं यहाँ से क्लिक कर दूँगा ट्रैक स्टेटस। जब मैं ट्रैक स्टेटस पर क्लिक करूँगा तो आप देखिए, इसको जूम करके दिखा देता हूँ। तो अब देखिए इसका स्टेटस मैं आपको थोड़ा पढ़ के बता देता हूँ, थोड़ा सा मैं इसको कम कर लेता हूँ जूम को। तो अब सबसे नीचे देखिए स्टेटस, इसमें क्या लिखा हुआ है, पासपोर्ट, जो मेरा पासपोर्ट का ये है, हैज़ बीन डिस्पैच्ड ऑन 27 तारीख 4 महीना 2021 बाई स्पीड पोस्ट, ट्रैकिंग नंबर दिस। यानी कि मेरा पासपोर्ट डिस्पैच हो चुका है और मेरे घर पर भी आ चुका है। तो दोस्तों इस तरीके से आप, अगर आपने पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया है तो आप पासपोर्ट का स्टेटस इजीली यहां से चेक कर सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और ऐसे ही इन्फॉर्मेशन पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो, मिलते हैं, बाय बाय। पासपोर्ट सेवा वेबसाइट काफ़ी अच्छी है और इसका दूसरी जो बहुत सारे ऑप्शन है इसमें, वो सारा कुछ मैं अलग तरीके से वीडियो बनाऊंगा जब मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या सर्विस हैं पासपोर्ट में, पासपोर्ट की वेबसाइट में क्या क्या सर्विस हैं। देखिए काफ़ी कुछ है इसमें, तो चलिए वो सारा कवर होता रहेगा धीरे धीरे। बस अपना सपोर्ट बनाए रखिए, आपका सपोर्ट जितना रहेगा उतनी अच्छी अच्छी नॉलेज मैं आपको देता रहूँगा।